दोस्तों मल्लिका शेरावत बॉलीवुड में इंटीमेट सीन के लिए जानी जाती हैं और उनकी काफ़ी सारी फिल्में भी इसी तरह से ही देखने को मिलती है। लेकिन हाल ही में मल्लिका शेरावत ने दंगल फिल्म में मिले अपने रोल को लेकर बहुत ही बड़ा खुलासा कर दिया है और आमिर खान के बारे में भी बहुत कुछ कहा है। आखिर दंगल में मल्लिका शेरावत को कौन सा रोल मिला था और जिसके लिए उन्होंने ऑडिशन भी दे दिया था, पूरी बात आपको बताते हैं। तब तक वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको डेली अपडेट मिलता रहता है। दोस्तों आमिर खान की दंगल फिल्म 2016 में आई थी, जिसमें आमिर खान रेसलर गीता बबीता के पिता का रोल में थे। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई की थी। फिल्म ने वर्ल्ड वाइड 2000 करोड़ से भी ज्यादा का आंकड़ा पार कर लिया था। लेकिन फिल्म के लिए पहले मल्लिका शेरावत को कास्ट किया गया था, लेकिन मल्लिका शेरावत इसके लिए ऑडिशन भी दे चुकी थी, लेकिन बाद में मल्लिका शेरावत का रोल काट दिया गया और इसके लिए साक्षी तन्वर को रोल दे दिया गया। जैसे ही ऑडिशन और सिलेक्शन की बात आमिर खान को पता चली, आमिर खान ने मल्लिका शेरावत को यह कहकर बाहर का रास्ता दिखा दिया कि अभी मल्लिका शेरावत जवान है और फिल्म में 3 बच्चों की मां बिल्कुल भी नहीं लगेंगी और इससे फिल्म पर काफ़ी इफेक्ट पड़ेगा। तो इस तरह से आमिर खान ने मल्लिका शेरावत का फिल्म दंगल से पत्ता साफ कर दिया था। ऐसे और फैक्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों।